मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज मैं सदुल्लापुर सातन पंचायत में आ चुका हूं, जहां पे कुछ नाला संबंधी समस्याएं हैं जो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये हाजीपुर प्रखंड की इकाई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप एक बार दिखाइए कैमरामैन साहब, ये जो है नाला है, ये सदुल्लापुर सातन पंचायत की नाला है। आप नाला को देखिए, ये नाला 2 महीना पहले बना था और अभी जो है इस नाला में मतलब कंक्रीट का सारा सामान वगैरह सब कम दिया गया, जिसकी वजह से 2 महीना में भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें अगर किसी बच्चा का इस गांव में अगर आना जाना, चूँकि घनी आबादी है, आना जाना होगा तो यहां पे बच्चा निश्चित रूप से इसमें गिरेगा और दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। लेकिन चूँकि ग्रामीण में होता है क्या है कि ग्रामीण लोग उतना एक्टिव नहीं होते, जब समस्या आती है तब एक्टिव होते हैं। ये पंचायत के मुखिया हुए बच्चा बाबू सिंह यादव, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, सामुदायिक पुस्तकालय यहाँ ग्राम पंचायत राय सदुल्ला प्रसाद। लेकिन जब यहाँ पे पुस्तकालय है तो यहाँ पे आसपास का नहीं है, सामाजिक पुस्तकालय सरकारी नहीं है। यहाँ पे आसपास जो है वातावरण शुद्ध होना चाहिए। देख लीजिए नाला का स्थिति, नाला जो है 2 महीना पहले बना, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है बद से बदतर है। आप सोच सकते हैं सरकारी खजाने का किस तरह से बंदर बाट किया जा रहा है, और लोग जो है सरकारी खजाने से निकाल के और लोग अपने मत में काम करते हैं, विकास का कोई काम नहीं होता। अभी देख रहे होंगे हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि वो लोग अभी पूजा पाठ, चूँकि आज नवरात्रा का दिन है और रामनवमी का दिन है, तो इस दौर में लोग उपस्थिति कम होता है, चूँकि एक जगह एकत्रित होते हैं और कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। वजह है कि बोलना नहीं चाहते हैं कि हम जो है यहाँ के मुखिया से दिखार नहीं हों, तो अगर दिखार नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो समस्या का निदान नहीं होगा। कुछ लोग हमारे बीच जुड़े हैं, लेकिन चूँकि स्थिति इस तरह से अवगत होती है कि लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्थिति बनी हुई है, तो नाला जो है अभी तुरंत 2 महीना पहले बना है, जैसा कि यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया। लेकिन इस नाला में अभी तक माने उसका जो है तो विधिवत काम नहीं हुआ है, एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से टूट रहा है। अभी हमारे बीच कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जुड़ गए हैं इस नाला संबंधी बात करने के लिए। यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं वो अभी तक इस नाला को इतना क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी क्यों नए निर्माण का काम किए, और क्या वजह है कि 2 महीने में ही ये क्षतिग्रस्त हो गया। आप बाबा अपना नाम बताइए। देवेंद्र शर्मा। अच्छा, ये बताइए कि जो नाला है इसके बारे में किस मुखिया को सूचना मिला था? हाँ, मुखिया आके देख गए हैं, लेकिन उस पर कोई जो बोले कि जो तोड़ेगा बनाएगा अपना, जो तोड़ेगा वो बनाएगा। तो जब इसका कंक्रीट का सीमेंट का काम अगर विधिवत होता, ज़्यादा मात्रा में होता, तो निश्चित रूप से नहीं। क्या आप क्या कहेंगे? जिस दिन बना था ना, उसके अगले दिन जो है ना, इधर एक ट्रक आया और ट्रक के पहिया इस पर चढ़ गया, वो नीचे दब गया, वो टूट गया नाला। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि बन जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें किसको दोषी ठहराते हैं? अब इसमें हम तो गाड़ी ले गया है उसी का दोषी है ना, कि दो दिन नहीं, मुखिया का दोषी कितना ठहराते हैं? मुखिया का दोषी भी है, लेकिन और भी ज़्यादा है, सारे इधर भी टूट रहे तो। जैसे यहाँ जो है अगर निर्माण काम में जो निर्माण हुआ है उसमें अगर मसाला जो है सो बढ़िया से दिया हुआ होता तो नहीं टूटता वो। आप क्या कहना चाहेंगे? मसाला कम पड़ा है, इसीलिए टूट गया है सब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं जैसे इनका स्थानीय लोग का कहना है कि यहाँ जो है नाला बनने में मसाला का माने दिया गया था कम, जिसके वजह से ये जो रोड है बराबर क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। यहाँ इधर से गाड़ी घुमाएगा, चूँकि अगर ये सही में ढलैया बढ़िया होता तो गाड़ी कितना भी ओवरलोड आ जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का जो है वो कमी है, जो सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा और जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देना होगा, यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान देना होगा, ताकि इस तरह का घटना ना हो आने वाले दिन में, कभी इसमें दुर्घटना का शिकार ना हो। चूँकि यहाँ बहुत सारे बच्चे भी, दिखाइए बच्चे लोग को दिखाइए, बहुत सारे बच्चे भी आते जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुखिया का इस तरफ ध्यान थोड़ा भी नहीं है। ये बहुत ही घिनौना बात है यहाँ के स्थानीय मुखिया का इस तरफ।